नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। देश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 4 लाख से ज्यादा नए केस आए सामने, 3,523 मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा, बीते 24 घंटे में 62,000 नए मामले आए सामने, 828 लोगों की कोरोना के चलते हुई मौत। 18 प्लस को राज्य में आज से लगेगी वैक्सीन, उपलब्धता के आधार पर धीमा चलेगा टीकाकरण, सीएम की घोषणा। शहर में बढ़ने लगा रिकवरी रेट, 7,294 स्वस्थ होकर लौटे घर, 88 की हुई मौत, 6,461 नए मामले आए सामने। हाईकोर्ट का प्रशासन को आदेश, रेमडेसिविर के वितरण का करें नियमन। 3 जुलाई को होने वाली परीक्षाओं पर कोरोना का साया, आईआईटी में प्रवेश पर सकता है इंतजार। विवाद के बाद युवक ने कर दी हत्या, दोस्तों के साथ बैठे लड़के को चाकू से मारा, मिट्टी खदान थाना अंतर्गत का मामला। 18 प्लस को टीकाकरण देने मनपा तैयार, शनिवार से वैक्सीन का छठवां चरण शुरू, कोविड अस्पताल में वैक्सीन सेंटर। मनपा आयुक्त ने शहर के लिए जारी किए आदेश, 15 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन, निजी बसों के लिए शहर अंतर्गत और जिला बंदी। रविवार से पकवासा में कोविड अस्पताल शुरू, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिया जायजा। बीसी न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही, ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसी न्यूज। नमस्कार।